ए भाई देख रहे हो, बोल रहा हूँ सुन नहीं रहा है ये, इसको क्या करना चाहिए, मारना चाहिए कि नहीं, भगाओ। Hello guys, good morning, welcome back to my channel again. जो मेरी दीदी आई थी ना, तो वो अभी बेसिकली रिटर्न हो रही है, ठीक है, घर के। तो मैं अभी उनको छोड़ने के लिए जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ गाड़ी में सर चाबी लेने के लिए। एंड पहले तो जाके वहाँ पर रेलवे स्टेशन में चेक करना पड़ेगा कौन सा ट्रेन अवेलेबल है बोल के, एंड उसके बाद ही देखना पड़ेगा क्योंकि रश करने का कोई फायदा नहीं है। सुबह के वेदर में ना उठने पर बहुत मजा आता है, ऐसे बता रहा हूँ। मतलब अभी मतलब कितना टाइम बाद ऐसा हो रहा है ना, तो मेरा अभी थोड़ा शेड्यूल ना ऐसा भी हो गया कि मैं स्टार्ट तो मैंने फिर से अपना जिम स्टार्ट कर दिया है। एंड करीबन सुबह 6:15 के टाइम में मैं अपने जिम के लिए जाता हूँ। तो आज मतलब थोड़ा सा लेट हो गया, आज लेट होगा मेरा। पहले दीदी को वहाँ पर छोड़ के आना है, उसके बाद अपना यहाँ पर जिम का आज प्लान है, जिम करेंगे भाई आज। हेलो टुकु, गुड मॉर्निंग। ओह टाटा, पता नहीं दीदी ब्लॉग में कब मतलब दिखे, तो कुछ बोलता है नहीं, रो रही है क्या? रो रही है क्या? अरे रोएगी क्यों भाई, नहीं रो रही। कुछ सुबह का वेदर कितना प्लेजेंट होता है ना, मतलब बहुत मस्त लगता है, ठंडी हवा, ठीक है, बहुत शांत सा माहौल, काफ़ी अच्छा लगता है। हम लोग शहर के पास पास आ रहे हैं ना, वैसे हीट बढ़ता जा रहा है। देखो सुबह के 6:30 का टाइम में कितना साफ दिखाई नहीं देना है, 6:15:02 हम लोग पहुंच गए जंक्शन मोड़ के सामने। एंड यहाँ से इधर फट से राइट लेना पड़ेगा, सीधा चलो, सीधा आपका रेलवे स्टेशन जंक्शन आ जाएगा। वेटिंग कर लेते हैं ट्रेन है कि नहीं, अवेलेबल है कि नहीं, उसके बाद ही देखेंगे। फाइनली अभी पहुंच गए यहाँ पर स्टेशन में, एंड 8 बजे का टाइम का है गाड़ी। यहाँ से ना हम लोग को 1 घंटा वेट करना पड़ेगा गाड़ी के लिए, सही बता रहा हूँ, अभी टाइम लगेगा बहुत, क्योंकि अपना इधर का पहला गाड़ी है, ठीक है, पहला गाड़ी है ना शायद, हाँ शायद पहला गाड़ी है, तो पता नहीं टाइमिंग चेंज हुआ है क्या, क्योंकि नहीं तो जो पहला गाड़ी होता है 6:37 के 7:07 के अंदर ही आ चुका होता है, तो लेकिन 8 घंटा मतलब वो सॉरी मतलब 8 बजे आता है, मतलब 1 घंटा पूरा लेट है। कदा जाचिस तू एखन बाड़ीते जाचिस, कखन आसबि? कालके आसबि। हाँ आजके जाचिस, कालके आसबि। फाइनल ट्रेन आ गया स्टेशन पे, एंड सीट ढूंढ रहे हैं अभी हम लोग, थोड़ा और पीछे रहेगा जनरल क्लास का। अभी यहाँ से निकलने का डाटा मैम करने का समय आ गया, दीदी को बाई बोलना पड़ेगा। सुनो जी मैं वो देख रहे हो ये येलो टी शर्ट, ये वाला भाई सम्राट का छोटा वर्जन नहीं लग रहा है क्या? तो डिट्टो सम्राट का छोटा वर्जन लग रहा है। तो दीदी को अभी फाइनल ट्रेन में चढ़ा लिया है, एंड सीधा अभी घर पे मिलते हैं गाइस। बहुत पसीना पसीना हो रखा है, जितना मतलब जितना प्लेजेंट वेदर सुबह को था ना, अभी उतना ही गर्म हो चुका है भाई, अभी निकलते हैं, जाम में स्टक। तो फाइनली पहुंच गया घर पे भाई साहब, ओ लू चल रहा है, ओ माय गॉड, एक मिनट, वॉलेट भूल गया था। जैसे गाड़ी से बाहर निकला वैसे लू चल रहा है, लू एकदम भयंकर तरीके से, मजाक कर रहा हूँ लेकिन फिर भी काफ़ी गर्म है। ये मेरा देखो मेरा प्यारा सा भाई, वेलकम टू माय होम स्वीट होम, घर पहुंच गया। एक्चुअली चेंज हो रहा है मेरे बाइक का, काफी ज्यादा सूखा हो चुका है, ठीक है ना, वहाँ पे मतलब, और अगर सूखा जाता है तो क्या होता है कि मतलब रगड़ा खाता है, फ्रिक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब साइड में चेन में काफ़ी दाग हो जाता है और बाद में भयंकर प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए अभी चेन में थोड़ा स्प्रे डालूंगा, चेन स्प्रे, ताकि जिससे मतलब थोड़ा फ्लेक्सीबल हो और स्मूथ रहे, ठीक है, तो इसके ये करना है मेरे को। अभी थोड़ा इधर आ दो, इसको लेके जाओ उधर दुकान में जल्दी जल्दी। तो इसको पकड़, इसको पकड़ चल, अरे अभी तुमको सब दिखाएंगे सिखाएंगे तुमको, चलिए ठीक है। अभी बेसिकली मैंने अपने अपने
गैरेज टाइप बोल दो, इसमें मैं यहाँ लेके आया हूँ। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, पहले थोड़ा सा पानी से मैंने इसे साफ कर लिया, अभी केरोसिन से थोड़ा इसमें स्प्रे करूँगा। स्प्रे करने के बाद ये जो आपका डिवाइस है इसको ऐसे करके साफ करो इससे, ठीक है, एंड साफ हो जाएगा। करेंगे अभी करेंगे, हाँ कर घुमा के करेंगे, डोंट वरी। एंड उसके बाद आपका लास्ट स्टेप है, ये स्प्रे कर दो, कंप्लीट हो जाएगा। गियर में था गाड़ी? हाँ मेरा वाले बकर गियर में रहा है। तो अभी केरोसिन का सीन है, थोड़ा केरोसिन लगाइए, थोड़ा चलाइए ना, गियर में डालिए। हाँ नीचे डालिए, डालिए जोर से। ये करना है कि थोड़ा साफ हो जाए, जितना भी कीचड़ मडवर्ड है वो निकल जाए इससे। देख रहे हो पहले कैसा था और अभी कैसा हो गया, ठीक है। अभी लास्ट स्टेप अपना ये बचता है स्प्रे मारने का, ठीक है। सेम प्रोसेस, चक्का घुमाओ, एक नंबर में गियर में डालो एंड उसके बाद स्प्रे कर दो, सब में खुद में लग जाएगा। दिस इज द लास्ट प्रोसेस एंड सक्सेसफुल, अपना काम कंप्लीट। अपना दिख रहा है ना आपको, मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, ठीक है। ये छोटा है, ठीक है, लेकिन छोटा है पर धमाका बड़ा है। ये छोटा है पर धमाका बड़ा करता है, भयंकर आदमी है कि नहीं भाई? जी हाँ। अरे बाप रे, इसका तारीफ क्या किया, तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे है भाई। सब्सक्राइब करना जरूरी है, मत बोलना। मोटिवेट इसलिए करता है क्योंकि ना अपने इतने छोटे से एज में ना ये बहुत धमाल कर ना, इससे इस बंदे से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जिम के लिए निकल रहा हूँ, आज का समय जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ा गया, ठीक है। सुबह 6 बजे आने का आदत है तो अभी 10:30 हो चुका है। एनीवेज दीदी को छोड़ने गया था इसीलिए टाइम थोड़ा वो हुआ, लेकिन कोई इशू नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। सीधा मिलते हैं वर्कआउट, मतलब जिम पे। जिम करने के लिए ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते, मतलब नहीं ऐसे नहीं, अच्छे से जिम करना है तो वो खुद के लिए था, खुद के शरीर के लिए, अपना टाइम बेसिकली, वो सही है ना। तो अपना टाइम तभी मिले, 1 घंटा मिले, अच्छे से इंजॉय करना। ये रहा अपना प्यारा जिम। अरे यार चप्पल खोलने में टाइम लग जाता है भाई, सही बता रहे हैं, चप्पल नहीं खुलता है मेरे से। ये रहा अपना प्यारा जिम, मस्त है ना। अच्छा सिंपल है, कंपाउंड एंड आइसोलेशन करना है, उसके बाद सीधा खत्म, फिर स्टार्ट अप। बाय बाय, तो सेट टू गो, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये वाला। तो मस्ती हो गया भाई, तो जिम बैग में लिया अपने जिम का, अभी लास्ट टॉनिक सेट बाकी है, उसके बाद खत्म, टाटा बाय बाय। ये सेट तो नहीं उठा मेरे से, पर लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे इसको, तो उठ जाएगा ये 2-3 दिन में, करते रहेंगे, थोड़ा वेट बढ़ाते रहेंगे, आस्ते आस्ते करके देखो उठ जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आज नहीं उठा। तो अगर आप भी जिम के टूल का इस्तेमाल करते हो तो रख भी लिया करो खुद से। गाइस अभी वर्कआउट फाइनली कम्प्लीट हो गया एंड अब सीधा बैक टू पवेलियन एंड थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, ठीक है। बहुत टायर्ड होते हैं, मतलब जितना भी सारा जमा किया हुआ का कैलोरीज वाले दिन सारा बर्न आउट करके बहुत मज़ा आ गया है ना। अब घर चलते हैं यार, अभी थोड़ा फ्रेश भी होना है, नहीं तो ऐसे ऐसे आएगा ना बदबू आएगा मम्मी से। बाय भैया। देख रहे हो भाई कितना धूप है और कितना भयंकर तरीके से गर्मी हो रखा है इधर, माथा खराब है। मेरे प्यारा भाई को देखो, अली 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 अली। कौन मारा तुमको? कौन? अरे कर रहा हूँ मैं, सही बता रहा हूँ, सब मेरे जो पीछे है ना सब मेरे को देख के हंस रहे हैं भाई। से घर पहुँचा, इधर आया, वैसे ही काम आ गया पॉल्यूशन। सॉरी मैं एक्चुअली भूल गया था, पॉल्यूशन करवाना है स्कूटी का पॉल्यूशन हुआ नहीं है, तो पॉल्यूशन करवाने के लिए आया। वेयर योर हेलमेट फर्स्ट एंड देन कम, ठीक है। दिस इज नॉट योर हेलमेट, देयर इज वन मोर हेलमेट, टेक दैट वन। पॉल्यूशन करवाते हैं अभी, ऐसे यही हालत में जाएंगे, उसके बाद आएंगे फिर नहाएंगे भाई। देख रहे हो बोल रहा हूँ, सुन नहीं रहा है ये, इसको क्या करना चाहिए, मारना चाहिए कि नहीं? भगाओ। हेलमेट किधर है? हेलमेट पहन। इसको नहीं, ये बाइक का चाबी है भाई, इसको रख दे, बस स्कूटी चाबी लेके इसके अंदर ही हेलमेट है, जा इसको भी पकड़ो, होल्ड दिस वन,
नाइस, अभी लग रहा ना हैंडसम है तुम। अरे यार ये तो इसका बकचोदी है भाई। अभी हम लोग निकल पड़े हैं गड्डी लेके। निकल पड़े हैं गड्डी लेके। क्या गया वो किधर है? वो आंटी किधर है? काम करता था। किधर गया? किधर? अरे गायब हो गया। गायब हो गया। भाग गई। काम कंप्लीट, पोल्यूशन करवा लिया, मतलब एक साल का होता है करीबन 150 रुपीस लगा। हो गया। आ के निकला, बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, ठीक है, थोड़ा पानी और कॉफ़ी मैं चल रहा था मैं अपना। एंड अभी थोड़ा पेट में कुछ दाना वाना भर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। सो राइस, इमादाजी, दिस इज़ कॉल्ड इमादाजी, ठीक है। इसमें बटर, मिल्क एंड बाकी ज़रा जो मतलब मिक्स वेजीज है वो सब डालते हैं, तो ऐसे करके कुछ बनता है। एंड चीज़ भी। चेक भी दे लो। आता है कहाँ तक? चलो चलो चलो, तालाब कर दे सागर। क्या? जय तालाब कर दे सागर। तालाब को कर दे सागर। अगर आपने मेरे वीडियो यहाँ तक देख लिया है, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज सपोर्ट करते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टाटा बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, बाय।